गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज यूनिट नंबर 2 देखेंगे जिसमें लेक्चर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, क्लाउड रेफरेंस मॉडल। ठीक है, क्लाउड रेफरेंस मॉडल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली अपन आर्किटेक्चर की बात करते हैं कि मैं किस तरीके से क्लाउड को बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। द क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दैट करेक्टराइज एंड स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट बाई पार्टीशनिंग इट इंटू एब्स्ट्रैक्शन लेयर एंड क्रॉस लेयर फंक्शंस। बेसिकली अगर मैं एक मॉडल बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले उसको उसका एब्स्ट्रैक्शन बनाना पड़ेगा, उसका रेफरेंस मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग करेंगे ये सब देखेंगे, जहाँ पे ये क्या करेगा। अगर मैं मॉडल या आर्किटेक्चर बना के तैयार कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, करेक्टराइज करेगा एंड स्टैंडर्डाइज करेगा द फंक्शंस ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, कि उस वो किस कौन से माहौल में किस तरीके से काम करेगा। पार्टीशनिंग करेंगे इसमें इट इनटू एब्स्ट्रैक्शन लेयर एंड क्रॉस लेयर। ठीक है, दिस रेफरेंस मॉडल ग्रुप्स द क्लाउड कंप्यूटिंग फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इनटू 5 लॉजिकल लेयर। बेसिकली 5 लॉजिकल लेयर्स में इसे डिवाइड करा गया है एंड 3 क्रॉस लेयर फंक्शंस। ठीक है, 3 क्रॉस लेयर फंक्शंस में डिवाइड करा है इसको, आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, 3 क्रॉस लेयर्स हैं और 5 अपन के पास क्या है, लेयर्स हैं, मेन लेयर्स हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है, उसमें अगर क्रॉस लेयर की बात करें जो हॉरिजॉन्टल दिख रही है आपको। ठीक है, सर्विस मैनेजमेंट है, उसमें अपन देंगे सर्विस पोर्टफोलियो क्या है, सर्विस ऑपरेशंस मैनेजमेंट कौन से हैं। उसके बाद है दूसरा जो क्रॉस लेयर है, वो है बिजनेस कंटिन्यूटी यानी फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म। अपन अगर कोई भी फॉल्ट आ जाए तो उसको किस तरीके से, उसके लिए कौन सी मैकेनिज्म रहेंगी। रिप्लिकेशन अगर यहाँ पे है, आपको रिप्लिकेशन जो पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है इसमें बैकअप। बैकअप अगर मान के चलिए कि क्लाउड का ये भी बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे बैकअप का, कि अगर मेरे पास कोई भी बैकअप अगर नहीं है तो एक इफ़ेक्टिव क्लाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में सिक्योरिटी मैकेनिज्म कौन से, जैसे इंटीग्रिटी की बात करें, डेटा इंटीग्रिटी की, ठीक है, डेटा ऑथेंटिकेशन की अगर बात करना चाह रहे हैं तो ये सब चीज़ें मैकेनिज्म सिक्योरिटी के अंदर आएगी। मैं इनको किस तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड यहाँ पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म रहेगी। नेक्स्ट है GRC। ठीक है, अब मेन लेयर्स की बात कर रहे हैं तो सर्विस लेयर है मेरे पास, जैसे सेल यहाँ पर लिखा है सेल्फ सर्विस पोर्टल और सर्विस कैटालॉग, कौन सी सर्विसेज हैं जो मैं दे पा रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके से उनका कैटालॉग मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, जहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे, जैसे इससे रिलेटेड जो भी मेरे पास सर्विसेज हैं उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल लेयर। कंट्रोल लेयर बेसिकली कंट्रोल सॉफ्टवेयर है कि मैं उनको मैनेज कैसे करूँगा। नेक्स्ट है इसमें वर्चुअल लेयर, जैसे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर में कौन से यूज़ करूँगा, जैसे जेन है, हाइपरवाइजर है मेरे पास, ठीक है, VMware है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। फिर है वर्चुअल रिसोर्सेज कौन से रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है रिसोर्स पूल्स मेरे पास क्या क्या रहेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर में मैं कंप्यूटेशन प्रोसेस क्या रहेगा, नेटवर्क का अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मतलब वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ या क्लाउड बनाना चाह रहा हूँ, स्टोरेज का मैं बना सकता हूँ, तो ये फिजिकल लेयर के अंदर आएंगे। तो बेसिकली ये आपने देखा मॉडल कि यहाँ पे क्या है कि मेरे पास सिक्योरिटी से रिलेटेड लेके मेरे पास वर्चुअलाइजेशन तक सारी की सारी चीज़ें एकदम वेल डिफाइंड करी गई हैं। ठीक है, तो मैं इनको क्या मैंने क्या करा, जो भी मेरे पास अगर कोई भी क्लाउड बनेगा तो बेसिकली ये जो आर्किटेक्चर ये फॉलो करा जाएगा। ठीक है, इसी में द 5 लेयर्स आर फिजिकल लेयर, वर्चुअल लेयर, कंट्रोल लेयर, सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन लेयर, सर्विस लेयर। ये जो फिजिकल लेयर्स हैं मैंने बताया आप लोगों को, ईच ऑफ दिस लेयर स्पेसिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ एंटिटीज दैट मे एग्जिस्ट इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट। ठीक है, सच एज कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन सिस्टम्स क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी रहेंगी, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी रहेंगी अगर मैं डेटा सेंटर बनाना चाह रहा हूँ, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कौन से रहेंगे, जैसे हाइपरवाइजर है, जेन है, VMware है ना, वर्चुअल मशीन्स हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म कौन सी रहेंगी, कंट्रोल सॉफ्टवेयर कौन से रहेंगे, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन से रहेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, दीज 3 क्रॉस लेयर फंक्शंस आर बिजनेस कंटिन्यूटी, सिक्योरिटी,
एंड सर्विस मैनेजमेंट. बिजनेस कंटिन्यूटी एंड सिक्योरिटी फंक्शन स्पेसिफाई वेरियस एक्टिविटीज टास्क एंड प्रोसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू ऑफर रिलायबल एंड सिक्योर क्लाउड सर्विस टू द कंज्यूमर. इसको बेसिकली सिक्योर बनाने के लिए अपन ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं. फिर क्लाउड कंप्यूटिंग लेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे वही कैटेगराइजेशन किया गया है. फिजिकल लेयर जैसे फाउंडेशन लेयर ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली बोल सकते हैं इसको. स्पेसिफाई एंटिटीज दैट ऑपरेट एट दिस लेयर, ठीक है, जैसे कंप्यूट सिस्टम है, नेटवर्क डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है एंड सो ऑन. फंक्शंस की बात करें अगर फिजिकल लेयर की तो वो है एग्जीक्यूट्स द रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय द वर्चुअलाइजेशन एंड कंट्रोल लेयर. इनके बीच में जो भी रिक्वेस्ट जनरेट होगी उसको एग्जीक्यूट करना है. वर्चुअल लेयर की अगर बात करें तो वर्चुअल लेयर का डिप्लॉयड ऑन द फिजिकल लेयर पर डिप्लॉय करी जाती है, ठीक है. स्पेसिफाई एंटिटीज दैट ऑपरेट एट द लेयर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज पूल्स वर्चुअल, ये इसके एंटिटीज हैं या कंपोनेंट्स की बात करें. फंक्शंस की बात करें अगर वर्चुअल लेयर के तो एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल रिसोर्सेज एंड मेक देम अपीयर एज वर्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है. कंट्रोल लेयर की बात करें तो डिप्लॉयड आइदर ऑन वर्चुअल लेयर और एंड फिजिकल लेयर, अपन किसी भी लेयर पर डिप्लॉय कर सकते हैं कंट्रोल लेयर को. स्पेसिफाई एंटिटीज दैट ऑपरेट एट दिस लेयर, वो है कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो यूज़ करे जाएंगे. उसके बाद है फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल लेयर है, वो इनेबल्स रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स पूल कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स प्रोविजनिंग कि मुझे किसको देना है सर्विस, किसको यूज़ देना है, किसको प्रिविलेजेस देना है, ये सब चीज़ों की बात करी जाएगी इसमें. सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन लेयर की बात करें, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर की बात करें तो स्पेसिफाई द एंटिटी दैट ऑपरेट एट दिस लेयर, वो है ऑब्स्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर रहेंगे मेरे पास, ठीक है. उसके बाद है फंक्शंस की अगर बात करें तो प्रोवाइड्स वर्क फ्लोस फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑटोमेटेड टास्क, ठीक है. सर्विस लेयर यहाँ पे है मेरे पास. नेक्स्ट है कंज्यूमर इंटरेक्ट एंड कंज्यूम क्लाउड रिसोर्सेज वाया दोज लेयर, ठीक है. ये सब चीज़ों की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे. फिर एक क्रॉस लेयर की अगर फंक्शनिंग की बात करें तो वो है स्पेसिफाई, जैसे बिजनेस कंटिन्यूटी के अंदर देख रहे हैं स्पेसिफाई अडॉप्शन ऑफ द प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट एंड इम्पैक्ट ऑफ डाउन टाइम, ठीक है. सपोर्ट्स ऑल द लेयर टू प्रोवाइड इंटरप्टेड सर्विसेज की बात कर रहे हैं. सिक्योरिटी अगर कॉन्सेप्ट में बात करें या क्रॉस लेयर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म रहेंगे मेरे पास, पर्सनल पॉलिसीज रहेंगी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेंगे टू डायरेक्ट सेफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है. एंड टेक्निकल मैकेनिज्म जैसे लाइक फायरवॉल की बात करें, इंट्रूजन की बात करें, डिटेक्शन की बात करें, प्रिवेंशन सिस्टम्स की बात करें या एंटीवायरस की बात करें, मतलब अपन अल्टीमेटली उस सिस्टम को किस तरीके से सिक्योर बनाएं. उसके बाद है सर्विस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सर्विस मैनेजमेंट स्पेसिफाई अडॉप्शन ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू द सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सर्विस ऑपरेशन मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है. सर्विस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो देखेंगे कि डिफाइन द सर्विस रोड मैप क्या है, सर्विस फीचर्स कौन से हैं, सर्विस लेवल्स कौन सी रहेंगे, इन चीज़ों की बात करेंगे. एसेस द प्रायोरिटीज, प्रायोरिटाइज वेयर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द सर्विस पोर्टफोलियो आर मोस्ट नीडेड, ठीक है. इस्टेब्लिश बजटिंग एंड प्राइसिंग, इसमें चीज़ें देखेंगे. उसके बाद डेटा डील विद कंज्यूमर इन सपोर्टिंग एक्टिविटीज सच एज टेकिंग ऑर्डर, प्रोसेसिंग बिल्स एंड कलेक्टिंग पेमेंट्स, ठीक है. उसके बाद है सर्विस ऑपरेशंस की अगर बात करें, सर्विस ऑपरेशन मैनेजमेंट की तो इनेबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन एंड रिसोर्स प्रोविजनिंग रहेगा, इनेबलिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन रेजोल्यूशन रहेगा, इनेबल कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे, इनेबल्स कंपाइलेंस एंड कंफॉर्मेंस की बात करें, इनेबलिंग मॉनिटरिंग क्लाउड सर्विस एंड देयर कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स की बात करेंगे. तो बेसिकली अपन ने देखा कि मैं यहाँ पे क्या है कि जो मेरे पास मॉडल है वो मॉडल एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, हर एक लेयर का फंक्शनिंग क्या है, वो किस तरीके से उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है एक दूसरे अगर लेयर पे मैं डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों की बात करी अपन ने. आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को. थैंक यू.